जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार IPL 2021 की नीलामी के तुरंत बाद ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए आई बड़ी बुरी खबर। IPL 2021 से इन खिलाड़ियों ने लिया टीम से नाम वापस। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार कौन है ये खिलाड़ी जो कि अब आप सभी को दिल्ली कैपिटल्स की टीम में IPL 2021 में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि IPL की नीलामी के बाद RCB के कप्तान विराट कोहली का आया बड़ा बयान सामने। कहा कुछ ऐसा कि पूरा देश रह गया हैरान जानकर। तो दोस्तों, ये पूरा बयान भी आपको दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि अर्जुन तेंदुलकर को लेकर मुंबई इंडियंस में किस वजह से किया गया शामिल। कोच ने बताई ऐसी वजह कि जानकर आप भी रह जाओगे दंग। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी IPL 2021 को देखने के लिए उत्साहित हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में पहली बार खिताबी फाइनल तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंचने में सक्षम हो पाई थी। और जहां पर IPL 2020 के आयोजन के वक्त दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन कर सबको बता दिया था कि आखिरकार उनमें भी दम है कि वो IPL का फाइनल मुकाबला खेल सके। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हम आपको बताएं कि IPL 2021 को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां पर 14वें सीजन के लिए बीते दिन गुरुवार 18 फरवरी को नीलामी भी पूरी हो चुकी है, और जिसमें 8 टीमों ने दुनिया भर के कुल मिलाकर 292 खिलाड़ियों पर दाव लगाया। और इस दौरान साउथ अफ्रीका के सीनियर ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस 16.25 करोड़ की बोली के साथ न केवल इस सीजन बल्कि IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। तो वहीं दोस्तों, IPL की नीलामी सफलतापूर्वक तो हुई और साथ में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी काफी बड़े बड़े नए खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगाया। जी हां, हम आपको बताएं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी टीम में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया उसमें थे स्टीव स्मिथ, सैम विलिंग्स, उमेश यादव, लुकमन मेरीवाला, टॉम करन, मनीमरण सिद्धार्थ और रिपिल पटेल। तो जिसके चलते इन खिलाड़ियों के दिल्ली की टीम में शामिल होने के साथ ही दिल्ली की टीम एक बार फिर से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दिल्ली की टीम को एक बड़ा झटका लग गया। दरअसल हम आपको बताएं कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार IPL खेलने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के मन में ये दुविधा रहती है कि वो पहले अपने देश को प्राथमिकता दें या फिर IPL में खेलकर पैसा कमाएं। ऐसा आमतौर पर उस वक्त ज्यादा होता है जब कोई दो टीमों के बीच में IPL के दौरान ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज होने वाली होती है। और इसी सिलसिले में साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बताएं कि हाल ही में साउथ अफ्रीका टीम ने पाकिस्तान का दौरा अभी हाल ही में किया था, और इस दौरे पर दोनों ही टीमों के बीच में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली गई थी। और इस दौरे के बाद अब 2 अप्रैल से पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और गौरतलब है कि इस सीरीज के कार्यक्रम का टकराव IPL 2021 के शुरुआती कार्यक्रम में हो सकता है, जहां पर कगिसो रबाडा ने इसके ऊपर बयान देते हुए कहा, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो हमेशा देश को ही प्राथमिकता दूंगा, देश मेरे लिए पहले आता है। इसलिए अगर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज IPL 2021 के साथ शुरू होती है तो मैं IPL 2021 को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। भारत में दिल्ली मेरे लिए घर ही है, लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्य मेरी प्राथमिकता है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर कगिसो रबाडा के रूप में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां पर रबाडा ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान का दौरा IPL के बीच ही होता है तो वो IPL से अपना नाम वापस ले लेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज को खेलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर ये काफी बड़ा फैसला कगिसो रबाडा ने लिया, तो जिसके चलते दिल्ली की टीम को ये काफी ज्यादा बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि हम सभी ने जैसा कि देखा था कि पिछले साल IPL में कगिसो रबाडा ने काफी शानदार गेंदबाजी करी थी और पर्पल कैप का खिताब अपने नाम भी किया था। हालांकि अब दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कगिसो रबाडा का बिल्कुल सही है मानना कि वो अपने देश के लिए ही पहले खेलें IPL के बजाय। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, IPL 2021 की नीलामी के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। जी हां दोस्तों, विराट कोहली को क्रिकेट मैदान पर काफी मजबूत इंसान माना जाता है और उनका बाहरी जीवन भी काफी स्पष्ट रहता है। आज कोहली युवाओं के रोल मॉडल है और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम का ब्रांड चेहरा है और एक प्रखर व्यक्तित्व भी वो हासिल कर चुके हैं। तो वहीं पिता बनने के बाद उनके जीवन
नजरिए में और गहराई आई है। और वहीं हम आपको बताएं कि इसी बीच विराट कोहली ने खुद को डिप्रेशन में लेकर एक बात करी, जहां पर विराट कोहली ने खुद को डिप्रेशन की स्टेज में पाया और यह भारत का इंग्लैंड दौरा था जब कोहली खुद को दुनिया के सबसे अकेले इंसान के रूप में देख रहे थे। और दोस्तों हम आपको बताएं कि विराट कोहली ने इस बात का जिक्र अपने ट्विटर हैंडलर पर किया, जहां पर उन्होंने एक काफी अच्छा ट्वीट किया, उसे जाकर आप भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड को चेन्नई टेस्ट में 317 रनों से हराकर भारतीय टीम ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले रोहित शर्मा ने एक बार फिर से ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और ऐसे संकेत दिए हैं कि आने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले में वो किस तरह का प्रदर्शन कर दिखाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारतीय टीम गुरुवार को यहां पर अहमदाबाद पहुंच गई, जहां पर अहमदाबाद पहुंचने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया और इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने भी जमकर प्रैक्टिस की। तो वहीं दोस्तों हम सभी को प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांडे जैसे खतरनाक खिलाड़ी भी मैदान पर अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। तो इसी बीच जब रोहित शर्मा अभ्यास कर रहे तो उन्होंने अपने अभ्यास सत्र के दौरान कुल मिलाकर पूरे 1.5 घंटे का समय मैदान पर बिताया। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मात्र 1.5 घंटे में ही ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा हर एक गेंद पर छक्के और चौके लगाते चले जा रहे थे, जहां पर आज के इस मुकाबले में उन्होंने कुल मिलाकर 8 छक्के लगाए और 10 चौके उन्होंने लगाए। और दोस्तों आज मैदान पर शानदार अभ्यास करने के दौरान रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 144 रनों की शानदार पारी। बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा अहमदाबाद की पिच पर इंग्लैंड की टीम के तीसरे टेस्ट मुकाबले में परखच्चे उड़ाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? और आप आज रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जाने कौन है वीवीएस लक्ष्मण के साथ बैठी लड़की, जिसके आईपीएल ऑक्शन में आने हैदराबाद के खेमे से एक लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर 29 साल की इस लड़की का नाम काव्या मारन है। तो वहीं हम आपको बताएं कि काव्या मारन सनराइजर हैदराबाद के मालिक कलानिधि मारन की बेटी है। तो वहीं कलानिधि मारन सन नेटवर्क के संस्थापक है, जो कि एशिया की सबसे अधिक लाभदायक मीडिया कंपनियों में से एक है। तो वहीं हम आपको बताएं कि काव्या मारन को पिछले कुछ वर्षों से सनराइजर हैदराबाद की आईपीएल कारवा में एक प्रमुख चेहरे के रूप में देखा जा सकता है, जहां पर काव्या आईपीएल के दौरान स्टैंड्स में ऑरेंज जर्सी पहने टीम को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो वहीं आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन के दौरान सभी उनकी तस्वीरें भी देख सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि काव्या मारन के बारे में आपकी क्या राय है। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।